हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का ये डाउट था कि बाइक का गियर कब चेंज करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइक का गियर कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करूंगा उसे और भी अच्छे से अपलोड करने के लिए। सो आइए देखते हैं। तो आइए चलो देखते हैं एकदम शुरुआत से। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गया। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बाइक का इंजन थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। मेरी गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पर चल के आई है तो ऑलरेडी इंजन गर्म है। अभी मैं ट्राई करूँगा इसको फर्स्ट गियर पर डालने के लिए। फर्स्ट गियर के बाद मैं हल्का सा क्लच छोड़ूंगा और एक्सेलरेशन दूंगा जिससे मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो जब आपका इंजन पावर कर रहा है और जैसे इंजन ये शोर कर रहा है, यानी कि अभी आपको सेकेंड गियर में गाड़ी डालना है, नहीं तो आपका गाड़ी इससे आगे जा नहीं पाएगा। तो फर्स्ट गियर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है। अभी यहाँ पर मैं सेकंड गियर चेंज करूँगा तो मेरा गाड़ी और आगे पिकअप लेगा और स्पीड पे जाएगा। जब हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे वापस इंजन आवाज़ करना चालू करेगा। तो जैसे इंजन आवाज़ करता है आपको गियर चेंज करना है। अगेन वापस हम लोग जाएंगे तो वापस सेम प्रोसीजर करना है। जब आपका स्पीड ज़्यादा है आपको, जब आप स्टॉपिंग करोगे तो अगेन सेम आपको स्पीड कम हो रही है उसके हिसाब से आपको गियर भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप हमेशा फोर्थ गियर पे रहोगे और आप गाड़ी को पिकअप लेने जाओगे तो गाड़ी झटका खा के बंद हो सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट संडे वो वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू एंड बाय।